बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं निजा सईद और आप देख रहे हैं निजा सईद का किचन। आज हम बना रहे हैं बकरा ईद स्पेशल में सीख कबाब मसाला, जो बहुत ही मज़े का होता है और बहुत ही चटपट घर में रेडी हो जाता है। और सीख कबाब मसाला बनाने के लिए हमने जो चीज़ें ली हैं वो है ये। हमने यहाँ लिया है 1 kg कीमा, उसी के साथ हमने लिए है एक बड़ा प्याज जिसे हमने बारीक चॉप कर लिया है। उसके साथ हमने यहाँ पर लिया है 1 tablespoon बेसन, और यहाँ पर लिया है हमने 1 teaspoon अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ लिए हमने कुछ मसाले, जिसमें हमने लिया 1/2 teaspoon नमक या हसबे जायका, 1/2 teaspoon भुना पिसा जीरा, 1/2 teaspoon चाट का मसाला, 1/2 teaspoon कुटी हुई मिर्ची और 1/2 teaspoon गरम मसाला। तो चलिए सबसे पहले हमारे जो कबाब है वो रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया एक बाउल, अब हम उसमें डालेंगे कीमा। तो देखिए यहाँ पर हमने कीमा जो है वो मशीन का लिया है, आप चाहें तो चॉपर में इसको बारीक भी कर सकते हैं। और हमने अब डाली है प्याज, तो प्याज हमारी बिल्कुल बारीक चॉप होनी चाहिए। उसी के साथ हमने इसमें बेसन ऐड किया है, और अब हमने इसमें मसाले ऐड किए हैं, और अब हम इसको बहुत अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। तो और उसके बाद हम इसको कबाबों का शेप दे लेंगे। तो यहाँ पर हमने अदरक लहसुन भी ऐड कर दिया है, तो चलें अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो कबाबों का कीमा है वो हमने अच्छा सा मिक्स कर लिया है, और अब हम उनकी कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक स्टिक ली है, इस तरीके से हम उसको कबाब को रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हम 1 tablespoon लेंगे, और इस तरीके से हम उसको दबा दबा के हमारे जो सीख कबाब हैं वो रेडी करेंगे। तो चले ये देखिए, यहाँ पर हमारा जो एक कबाब है वो रेडी हो चुका है, और इसी तरीके से हमारे जो बाकी के कबाब हैं वो भी हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो कबाब है सीख कबाब वो बन के रेडी हो चुके हैं, और अब हम इसे साइड पे रखते हैं और इसकी जो ग्रेवी है यानी कि मसाला है वो रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने मसाला बनाने के लिए लिया 2 cup प्याज, उसे हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया इस तरीके से। और यहाँ पर हमने लिए थे 3 टमाटर जिसे हमने ग्राइंड कर लिए हैं, और यहाँ पर लिया है 1 teaspoon अदरक लहसुन का पेस्ट। तो हमने मसालों में यहाँ लिया है 1/2 teaspoon नमक या हसबे जायका, 1/2 teaspoon हल्दी पाउडर, 1/2 teaspoon लाल मिर्चों का पाउडर, 1/2 teaspoon गरम मसाला पाउडर, और 1/2 teaspoon धनिया पाउडर, 1/2 teaspoon भुना पिसा जीरा। तो यहाँ हमने ये मसाले लिए हैं। तो चले सबसे पहले हमारे जो कबाब है तो उन्हें हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया, उसमें हमें कबाबों को शेल्फ फ्राई करना है। तो हमने यहाँ पर ऑयल ले लिया है थोड़ा सा, उसके साथ ही हम यहाँ पर जो हमारे कबाब हैं अब उन्हें हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमारे कबाब जितने इसमें हमारे पैन में आएंगे हम उतने इसमें ऐड कर देंगे, और इन्हें हमें बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है, ज़्यादा हमें हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना है। तो इन्हें फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो कबाब हैं वो एक तरफ से फ्राई हो चुके हैं, अब हम उनको पलट देंगे। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा सा इस पर कलर आ गया है। तो इसको भी हम ये तकरीबन 1 मिनट ही फ्राई करेंगे, और उसके बाद निकाल लेंगे। और इसी तरह हमारे जो बाकी के कबाब हैं वो भी हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो कबाब हैं वो फ्राई हो चुके हैं, तो चलें बाकी के जो कबाब हैं वो भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो हमारे ये कबाब भी फ्राई हो चुके हैं, तो चलें इन्हें निकाल लेते हैं। और आप देख सकते हैं अब हम इन्हें साइड पे रखते हैं और इसका जो मसाला है वो रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक पैन लिया है, और अब हम फ्लेम को ऑन करेंगे, उसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो ऑयल है हमने ऐड कर दिया है, और ऑयल को हल्का सा गर्म होने देंगे। और यहाँ पर हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, अब हमने इसमें प्याज हमारी ऐड कर देनी है और इसको फ्राई करना है। हमें ज़्यादा इसको डार्क ब्राउन फ्राई नहीं करना है, बिल्कुल लाइटली जैसे होती है ना गुलाबी सी। तो चलें इसे फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो प्याज है वो देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी ब्राउन हो चुकी है, और अब हम इसमें हमारा जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो इसमें ऐड करेंगे, और इसमें हल्का सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारी जो प्याज है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, और मज़ीद हमारा अदरक लहसुन और प्याज जो है वो मज़ीद भुन जाए। यहाँ पर हमारी जो प्याज है वो सॉफ्ट हो चुकी है, अब हमारे इसमें मसाले जो हैं वो हम ऐड कर देंगे, और उसी के साथ हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और मज़ीद मसाला भूनते जाएंगे। तो मसाले को हमें इतना भूनना है कि इसमें एक दाना आ जाए, क्योंकि मसाला भूनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करते जाएँगे और मज़ीद मसाला भूनते जाएँगे। तो यहाँ पर हमारा जो मसाला है वो बहुत अच्छा सा भुन चुका है, अब हमारे जो टमाटर का पेस्ट है उसमें ऐड कर देंगे, और अब मज़ीद इसको हम भुनेंगे। यहाँ पर हम इसको जो है इतना भुनेंगे तो इसका जो आधा पानी है वो खुशक हो जाए। तो चले उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो मसाला है वो अच्छा सा भुन चुका है, और अब हमारे जो कबाब फ्राई हुए हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमें बहुत एहतियाती से ऐड करना है, क्योंकि अभी हमारे कबाब जो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं। तो चलें सब ऐड कर लेते हैं, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारे सारे कबाब जो है हमने ऐड कर दिए हैं, और अब हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो चले मिलते हैं 5 मिनट बाद। तो यहाँ पर हमें 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक कर लेते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो कबाब हैं माशाल्लाह से रेडी हो चुके हैं, और बहुत ही स्लो हाथ से इनको हिलाना है ताकि हमारे जो कबाब हैं वो बिल्कुल भी ना टूटें। तो बस यहाँ पर हमारे जो मसाला कबाब हैं वो रेडी हो चुके हैं, और अब हम यहाँ पर हमारी जो हमने अदरक रखी हुई है वो हम इसमें ऐड करेंगे, और हमारी जो हरी मिर्ची हैं वो इसमें ऐड कर देंगे, हरा धनिया है थोड़ा बहुत वो ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो सीख कबाब मसाला है वो रेडी हो चुका है, माशाल्लाह से ये बहुत ही अच्छे बने हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ प्रेजेंटेशन इसकी, क्या ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे बने हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। मैं आपको इसको कट करके भी दिखाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट बने हैं, आप देख ही सकते हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने हैं। आप इसे एक बार दावतों में ज़रूर बनाएं, तो आप इसे ईद पे बनाएं, इन्जॉय करें। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इस रेसिपी को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मज़ीद नई नई और मज़ेदार रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।